हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना पर्पस बताता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है और आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ जाएंगे, अगस्त में आ जाएंगे। फिर उसके नोटिफिकेशन आने से पहले और नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए नोटिफिकेशन आने से पहले और नोटिफिकेशन आने के बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 67th बीपीएससी के जो पीटी होंगे उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक एक करके वीडियोज़ बनाकर डिस्कस कर दूँ, या फिर पीडीएफ के फॉर्म में डिस्कस कर दूँ, या फिर नोट्स बनाकर डिस्कस कर दूँ। पीटी के प्रोस्पेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं कोशिश करूँगा एक एक टॉपिक को आप डिस्कस करूँगा। वीडियो बनाकर इसलिए डिस्कस करूँगा कि ताकि आप लोग वीडियो का जो लेंथ होगा ना, वीडियो का लेंथ छोटा ही रहेगा, और कुछ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है वो मैप बेस्ड टॉपिक जो हैं, ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं कोशिश करूँगा मैं मैप से ही रिलेट करके उसको डिस्कस करने का, ताकि मैप में जो विजुअलाइजेशन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और विजुअलाइजेशन होने के बाद चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ग्रैप्स कर पाते हैं लोग, अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं, अच्छे से याद कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम कोशिश करेंगे हमारे वीडियो का लेंथ छोटा ही हो, और हर एक टॉपिक को मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाकर आप लोगों के सामने रखूंगा, और 67 बीपीएससी से जितने भी हो सकता है, जितना हेल्प कर सकता हूं मैं 67 बीपीएससी पीटी के लिए करूंगा, ऑफ कोर्स करूंगा, और आप लोगों के साथ चलूंगा, और आप लोगों की सिलेक्शंस में थोड़ा सा मैं अपना योगदान दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। 67 बीपीएससी का आज से वीडियो डालना शुरू कर चुका हूँ, और आगे भी वीडियोस नियमित रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं वीडियो लाता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड, चाहे वो सॉइल हो जाए, बिहार की ज्योग्राफी हो जाए, अगर क्लाइमेटिकल कंडीशंस हो जाए, उसके बाद बिहार के जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्स हैं, या फिर रिवर्स हैं, डैम्स हैं, या बहुत सारे चीज़ हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, या पॉलिटिकल व्यूज़ हो सकता है, उसके बाद ज्योग्राफिकल व्यूज़ हो सकता है, बिहार का क्या है, कैसे है, नहीं है, क्या उसका चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद हिस्ट्री के भी कुछ वीडियोस बनाकर डाल दूंगा, पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। उसके बाद बाकी की जो मेजर टॉपिक्स बचेंगे, इंडिया से रिलेटेड जैसे सेंसस हो गया, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स हो गए, उनसे भी रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाकर डालूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बेसिक बातें करेंगे कि बिहार के बारे में, कि बिहार भारत के किस दिशा में अवस्थित है, कितने जिला है, क्या है, नहीं है। छोटा सा वीडियो, 10 से 12 मिनट के वीडियो में जो भी बन सके उसको डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ये इंडिया का मैप है, ये आपको दिख रहा है, ऑफकोर्स दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, और ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये देख लीजिए, अब यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, या साउथ वेस्ट हो गया। ओके, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि बिहार ये है, क्या बिहार ये है, और बिहार किस दिशा में बसा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ बिहार बसा हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं बिहार भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है, तो बिहार के सटा हुआ कौन से राज्य हैं और कौन से देश हैं। देखिए बिहार से सटा हुआ तीन राज्य हैं फ्रेंड्स। पहला राज्य जो पश्चिम दिशा में है उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम दिशा में जो है उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में जो है वेस्ट बंगाल है। ओके, और भारत बिहार के जो उत्तर दिशा में है, क्या उत्तर दिशा में बिहार का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर टच होता है, जो नेपाल से होता है, जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल है वो बिहार से भी बॉर्डर बनाती है। ओके, और बिहार के जो उत्तर दिशा की जो कंप्लीट बॉर्डर है वो नेपाल से टच होता है, जो तराई रीजन है, क्या है, जो तराई रीजन है, और इसी के आसपास पेडिमोंट सॉइल पाई जाती है। आप ध्यान रखिए कौन सी सॉइल पाई जाती है, पेडिमोंट सॉइल पाई जाती है इसी के आसपास। ओके, जो चंपारण, वेस्ट चंपारण के आसपास पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया बिहार के बारे में कि बिहार भारत के किस दिशा में बसा हुआ है। अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि बिहार की एरिया क्या है। देखिए थोड़ा सा जानकारी है, इस सब चीज़ों को फिर मैं बाद में विशेष रूप से डिस्कस करूँगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है फ्रेंड्स, उस एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, क्या है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, इस ध्यान को रखिएगा, याद रखिएगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, क्या है, किलोमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं या किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ओके, ये बिहार का एरिया है। ओके फ्रेंड्स, अब बिहार का ये एरिया है, उसके बाद बिहार का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस के बारे में हम देखेंगे। देखिए ये मैप है, थोड़ा मैप को मैं छोटा करता हूँ, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गया है फ्रेंड्स, ये गया है 23.5 डिग्री से, क्या 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया, कहाँ से, नॉर्थ, कौन सा लैटिट्यूड से, नॉर्थ लैटिट्यूड से। देखिए अगर आप लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या है, इन्वर्स है, क्या है, इन्वर्स है, देखिए इन्वर्स जैसा बन नहीं पाया लेकिन फिर भी मैं, ये क्या है मेरा,
इनवर्स है, मतलब जो ये मेरा क्या है, सॉरी अर्थ है, क्या है फ्रेंड्स, ये मेरा अर्थ है, क्या है, ये मेरा अर्थ है। अब अर्थ पे जो चीज़ें हैं उनको समझाता हूँ। ये जो लाइन ऐसी ऐसी चल रही है, पैरेलल लाइन चलेगी, क्या चलेगी, ये जो पैरेलल लाइन चलेगी इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लैटिट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ओके फ्रेंड्स, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। अब जो लाइन, जो लाइन ये क्या था, अर्थ था, अब अर्थ के जो ऐसे चलेंगे, क्या चलेंगे, ऐसे, सॉरी, ये लाइन यहाँ जाकर मिट कर जाती है, क्या कर जाती है, ये लाइन ऐसे यहाँ जाकर मिट कर जाती है, क्या कर जाती है, मिट कर जाती है, ओके, यहाँ जाकर मिट कर जाती है। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो लाइन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लॉन्गिट्यूड, क्या हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूड, ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब हम देखते हैं कि जो बिहार का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो क्या है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो क्या है, उस चीज़ को बारे में हम जानते हैं, ओके, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए बिहार का जो फ्रेंड्स ये लैटिट्यूड है, क्या यहाँ से ये लैटिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, क्या इस लैटिट्यूड से बिहार पास कर रहा है, जो बिहार का लैटिट्यूड है जहाँ से शुरू होता है, ये लैटिट्यूड क्या है फ्रेंड्स, 24 डिग्री, क्या 24 डिग्री 20 मिनट्स, क्या है 20 मिनट्स और 10 सेकेंड, इसको ध्यान रखिएगा, क्या कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंशन है, 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड से लेकर कहाँ तक इसका एक्सपेंशन है, इसको देख लेते हैं। नीचे वाला ये समझ में आ गया ना, ये 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड से लेकर ये ऊपर जो है इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है ये हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट्स और 15 सेकंड, क्या हो जाएगा, 15 सेकंड। ध्यान रखिएगा, मतलब 24 से लेकर 27, मतलब 3 डिग्री का जो है ना लैटिट्यूडनल गैप है, ओके। अब हम क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखेंगे, क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में बिहार का क्या चल रहा है। अब ये लैटिट्यूडनल हो गया, अब चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, देखिए लॉन्गिट्यूडनल के बीच में ये देखेंगे बिहार का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है फ्रेंड्स वो है इधर, क्या है, 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकंड, क्या है, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है, ओके। इतना से लेकर अब कितने ईस्ट तक चल रहा है, ये चल रहा है 88, क्या है, 88 डिग्री 17 मिनट्स 14 सेकंड, क्या है, 14 सेकंड, ये भी ईस्ट है। तो ये था क्या लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, ध्यान रखिएगा 83 से लेकर 88, ये मेजर चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अंतर पता चल जाएगा, यह क्या था 24 से लेकर 27, ओके फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि बिहार का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो क्या है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो बिहार की लंबाई और चौड़ाई है उसके बारे में क्या है। देखिए ये ईस्ट से लेकर, सॉरी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की जो लंबाई है बिहार की, जो बिहार की चौड़ाई है या लंबाई कह सकते हैं, वो बिहार का क्या है 483, क्या है 483 किलोमीटर, क्या है बेटा किलोमीटर, 483 किलोमीटर के आसपास बिहार की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है, क्या है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है बिहार की 483 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण के बारे में जानते हैं, क्या उत्तर से दक्षिण के बारे में देखते हैं, नॉर्थ टू साउथ, क्या है 345 है, 345, इसको याद रखने में आपको आसान होगा, 345, क्या है 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, 483 मतलब 483 किलोमीटर, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बिहार के कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताया, आगे की चीज़ आगे भी बात करते रहेंगे, ओके। अब एक चीज़ और बताना है कि बिहार का जो शेप है फ्रेंड्स वो लगभग रेक्टेंगुलर शेप है, क्या है देख लीजिएगा, ये देखिए आपको मोटा मोटी पता चल रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप है, क्या है बिहार का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। आपको पूछ लेगा कि बिहार का जो शेप है आकृति कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है, क्या है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर, ध्यान रखिए आयताकार इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आयताकार। अब तो ये तो फ्रेंड्स भारत में बिहार का क्या पोजीशन रहा उसके बारे में देखिए, बिहार में थोड़ा सा एंटर करते हैं कि बिहार का क्या क्या डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है डिस्कस फ्रेंड्स हमें, अब इसमें एक सेकंड फ्रेंड्स नेट बंद करता हूँ वरना नोटिफिकेशन फ्रेश ऑन कर देगा फिर। इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि बिहार की जो उत्तर दिशा में है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दक्षिण दिशा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूर्व दिशा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पश्चिम दिशा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये चीज़ इनमें डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स ये चीज़ इनमें डिस्कस करेंगे। ये देखिए नेपाल है, आपको पता है नेपाल है। देखिए फ्रेंड्स एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ, बिहार की जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट चंपारण है, ध्यान रखिएगा, क्या वेस्ट चंपारण है, और वेस्ट चंपारण एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है और नर्दर्न मतलब अगर उत्तर दिशा की सबसे मतलब सबसे उत्तरी जिला भी है, क्या है सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला क्या है वेस्ट चंपारण ही है, क्या है बेटा वेस्ट चंपारण ही सबसे उत्तरी जिला है और
सबसे बड़ा जिला भी वेस्ट चंपारण ही है। सबसे छोटा जिला यहीं पास का क्या है? शिवहर, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा जिला पास का शिवहर, ये शिवहर है, ये जो दिख रहा होगा आपको ये शिवहर है, ओके। और सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण, और वेस्ट चंपारण को ही सबसे उत्तरी जिला के रूप में भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि नेपाल से टच करता हुआ कौन कौन सा जिला है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये शिवहर टच नहीं करता लेकिन सीतामढ़ी टच करता है। ये पश्चिम चंपारण वही है जहाँ पेडिमेंट सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल पाई जाती है? पेडिमेंट सॉइल पाई जाती है। उसके बाद मधुबनी भी टच करता है, सुपौल भी टच करता है, अररिया भी टच करता है, और किशनगंज टच करता है। कितने जिला नेपाल से टच करता है एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बिहार के वो नेपाल से टच करता है। किससे टच करता है? नेपाल से टच करता है। फ्रेंड्स अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा जिला टच करता है, ये देख लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा जिला टच करते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश से टच करने वाला पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण भी टच करता है। क्या करता है? सारण भी टच करता है, ध्यान रखिएगा। ये भोजपुर जो है आरा वो भी टच करता है, बक्सर भी टच करता है, कैमूर भी टच करता है, और ये जो रोहतास है ना फ्रेंड्स ये भी टच करता है। क्या करता है? रोहतास भी टच करता है। टच करने वाला टोटल कितने जिला हो जाएंगे फ्रेंड्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 जिला हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। आप एक बार ध्यान से देखें, मैं आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ, शायद आप लोग इजीली समझ पाएंगे। क्या शायद आप लोग इजीली समझ पाएंगे? हाँ देखिए, ये वेस्ट चंपारण है, ये गोपालगंज है जो टच करता है, सिवान है, ये देखिए सारण भी टच करता है, ध्यान रखिएगा, भोजपुर भी टच करता है, देख रहे टच कर रहा है ना, ये बलिया इसमें घुसा हुआ है, ये जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो बलिया इसके अंदर आ चुका है, ये बक्सर है, ओके, ये कैमूर है, और ये रोहतास भी यहाँ से टच कर रहा है, ध्यान देखिएगा यहाँ से टच कर रहा है, ओके। तो उत्तर प्रदेश से टच करने वाला जिला की संख्या टोटल कितने हैं? 8 जिला की संख्या है। अब थोड़ा देखेंगे कि झारखंड से कौन कौन जिला टच कर रहा है, ओके, झारखंड से कौन कौन सा जिला टच कर रहा है वो देखते हैं। देखिए सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है फ्रेंड्स? कैमूर है। सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? कैमूर है। और सबसे उत्तर वाला जो जिला है, सबसे उत्तर वाला जिला है, ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तरी जिला जो है ये क्या है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे पश्चिम वाली जिला कैमूर है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण सबसे पश्चिम वाली जिला नहीं है, सबसे पश्चिम वाली जिला कैमूर है, और सबसे उत्तर वाली जिला क्या है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे पूर्व वाली जो जिला है, सबसे पूर्व वाली जिला क्या है? किशनगंज है। क्या है? किशनगंज है। सबसे पूर्व वाली जिला किशनगंज है, ओके। अब ये देखते हैं फ्रेंड्स कि सबसे साउथ वाली जो जिला है, सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो गया है। क्या है? गया है, ध्यान रखिएगा, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है? गया है। सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट गया है। अब इस चीज को हम देखते हैं कि झारखंड से कितने जिला का बॉर्डर टच करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये औरंगाबाद भी टच कर रहा है, रोहतास भी टच कर रहा है, गया भी टच कर रहा है, नवादा भी टच कर रहा है, जमुई भी टच कर रहा है, बांका भी टच कर रहा है, भागलपुर भी टच कर रहा है, और कटिहार भी टच कर रहा है। इतने जिला झारखंड से टच करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ओके। देखिए रोहतास टच करता है, कैमूर टच नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। कैमूर और रोहतास के बीच में, कैमूर और झारखंड के बीच में रोहतास घुसा हुआ है। कौन सा घुसा हुआ है? रोहतास, जो उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, ओके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 जिला झारखंड को टच करता है, ओके। अब जो पूर्व वाली दिशा है उस दिशा में देखते हैं कि वेस्ट बंगाल से कितने जिला टच करते हैं, वेस्ट बंगाल का भी देख लेते हैं। देखिए किशनगंज सबसे ईस्टर्न मोस्ट जिला है, ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। पूर्णिया भी टच करता है और कटिहार भी टच करता है। क्या? पूर्णिया भी टच करता है और कटिहार भी टच करता है। तीन जिला वेस्ट बंगाल को टच करता है, कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये तीन जिला किसको टच करता है? किशनगंज वेस्ट बंगाल को टच करता है। फ्रेंड्स तो ये मोटा मोटी राज था, राज के बारे में कुछ जानकारी थी जो हमने बताया आपको। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्या हैं? टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग हेड क्वार्टर हैं। पश्चिमी चंपारण है, ईस्टर्न मतलब ईस्ट चंपारण है, शिवहर है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग हेडक्वार्टर है। कुछ जिला हैं जो अपने हेडक्वार्टर के नाम से नहीं जा हेडक्वार्टर के नाम से ही जाना जाता है, जैसे भोजपुर का हेडक्वार्टर है उसका आरा है, आप ध्यान रखिएगा, भोजपुर का हेडक्वार्टर आरा है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण का ही हेडक्वार्टर अलग है और ईस्ट चंपारण का भी हेडक्वार्टर अलग है, दोनों का बेतिया और मोतिहारी के नाम से जाने जाते हैं। ईस्ट चंपारण मोतिहारी और ये वेस्ट चंपारण बेतिया के नाम जाने जाते हैं, ओके। तो ये सब अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं, ओके फ्रेंड्स। कुछ जिला जो हैं हेडक्वार्टर के नाम से नहीं जाने जाते हैं, और कुछ जिला जो हैं हेडक्वार्टर के नाम से ही जाने जाते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जिला है, जिला के बारे में जानकारी थी। और भी बहुत सी चीज़ हैं जो मैप के थ्रू आपको बताना है, तो वो चीज़ें और आगे डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। आप अपना फीडबैक जरूर वीडियो में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, जय हिंद।